सोना के रायपुर में रोका गया आप प्रतिनिधि मंडल, नूह जा रहा था आपका प्रतिनिधि मंडल। सुशील गुप्ता की अगुवाई में जा रहा था प्रतिनिधि मंडल, प्रशासन ने नहीं दी नूह जाने की इजाजत। मेरे को नूह तक जाना मैंने बीजेपी साथ किया है। देखो परमिशन है तो दिखाइए, नहीं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी आपने बीजेपी के लोगों को परमिशन दे दी, वो गए हुए हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है, नहीं गया वो सारी बातें मुझे बता दिया। गेस्ट हाउस तक गए, ऐसा वो एक गाड़ी गई है सिर्फ, तो हमारे भी एक गाड़ी जाने का परमिशन, उनकी परमिशन है, तो आगा थोड़ी परमिशन है मुझे पास। मतलब सरकार ये देख के देखे कि सिर्फ बीजेपी के लोगों को परमिशन देंगे, बाकी पार्टियों से नहीं देंगे। आप ही लेते हैं, हमें मैंने अप्लाई किया ना, आपके डीजीपी को लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, मैंने डीएम को लिखा, मैंने एसपी को लिखा। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या क्या छुपाना चाहती है हरियाणा पुलिस वाले, तो फिर क्यों खाली बीजेपी के लोग परमिशन दिखा दी कर रहा हूँ। हमारा काम, मैं कह रहा हूँ क्या छुपाना चाहते हैं, कुछ नहीं, तो जाने दें परमिशन। अगर एक पार्टी के लोग जा सकते हैं, बाकी पार्टियों को जाने की परमिशन देखिए कोई नहीं है। मैं एक आप खुद बता रहे हैं गाड़ी गई, नहीं वो हमारी एक ही जनरल 144 की धारा के अंतर्गत था, मैंने मैं बतौर सामने से चाह रहा हूँ आप अकेले चले जाएंगे। देखिए विदाउट परमिशन, उनको परमिशन दी गई, परमिशन निवेदन कर रहा हूँ, देखो सारे देश का मीडिया खराब है। एक पार्टी को परमिशन दे देना, आम आदमी पार्टी को भी मना कर देना, कांग्रेस को भी मना कर देना, ऐसा लगता है कुछ सरकार छुपाना चाह रही है। क्या छुपाना चाह रही है, क्या छुपा रही है, इस बारे में मैं कोई टॉपिक नहीं लेना चाहता। आप हमें आप हमने है आपके पास परमिशन तो ठीक है, नहीं तो परमिशन तो मैंने अप्लाई तो की थी, परमिशन की तो इस तरह परमिशन वो दिखा दो ना आप, उन्होंने जो भेजा आप दिखा, मैं क्या बता रहा, वो हमारे सीनियर अधिकारी से संपर्क, आप सीनियर से बात करो। विजेंद्र विजेंद्र सिंह मेरा निवेदन है कि हम इस बात के हक में है कि कानून व्यवस्था कायम रहे, लोगों के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, कोई दंगा फसाद नहीं होना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं सुरक्षा सबको नहीं दे सकता, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। उसके बाद हमारी ड्यूटी बन जाती है कि लोग डर गए ना उसके बाद कि भाई मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, तो कम से कम बाकी लोग जाएं और कम मन के अंदर विश्वास पैदा हो कि नहीं भाई हिन्दुस्तान आपके साथ है, देश आपके साथ। प्रशासन से आप परमिशन लीजिए, प्रशासन को तो मैंने लिखा था, नहीं तो प्रशासन के लिए तो सारी पार्टियां जैसे सरकार अलग बात है, मुख्यमंत्री जाना चाहता है जाए, उप मुख्यमंत्री जाना चाहता है जाए, गृह मंत्री जाना चाहता है जाए, परंतु बीजेपी के पार्टी के लोग जाए और बाकी पार्टियों को रोक दिया जाए, ये चीज मैं स्पष्ट कर रहा हूं। हम वहां पे हिंदुओं से भी मिलना चाहते हैं, हम मुसलमानों से भी मिलना चाहते हैं, हम मंदिर में भी जाना चाहते हैं, मस्जिद में भी जाना चाहते हैं, हम एक शांति की अपील करना चाहते हैं कि हम दिल के रो डरो मत, ये देश तुम्हारा है और तुम इस देश के वासिंदे हो, देश के लोग तुम्हारे साथ हैं, किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं। दंगाई कोई हो उसका जाति और धर्म ही होता, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून अपना रास्ता ले, उसको सजा दे, वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का, परंतु जो निर्दोष लोग मारे गए। एक व्यक्ति मुझे मिला, बस का ड्राइवर था, चश्मा बनाने आया था, उसके पैर पर गोली लगी। एक होमगार्ड का साथी मुझे मिला, उसके पिता कारगिल के योद्धा है, दराज सेक्टर में देश के लिए युद्ध लड़के आए, उनका कहना कि मैं अपने बेटे का नहीं बचा पाया, देश का मैं ऐसे हालात ठीक। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।